खराब। कहाँ सेल्फी ले रहे हैं आप? हम खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, टची डिले से वारफी फुलो नमस्ते, दिस इज योर दर्शन थमांग एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दर्शन व्लॉग्स। आज सुबह सुबह हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के तरफ, तो हम लोगों को शादी में इनवाइट किया है तो वहां पर अटेंड करना है, ठीक है। एंड हमारे गाड़ी के सिलसिले में कुछ काम वाम है तो वहां पर भी जाएंगे। ऐसा है गाइस आज का सुबह का मौसम, एंड ये देखो फूल कितना अच्छा खिला हुआ है ना, ये ऑर्किड है, वाइल्ड ऑर्किड है मम्मी, एंड मम्मी का फ्लावर देखो वाओ व्हाइट में सही लग रहा है। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हेलो डैडी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रेडी हो गए? रेडी हो गए? एकदम रेडी। ओके चलो, गुड मॉर्निंग बेल भी बजा देते। और गाइस अभी पैकिंग वैकिंग हो रहा था तो मेरा तो पूरा सामान पता नहीं क्या क्या है, डैडी जी का भी यहाँ पर डाल दिया है। भाई है ना रेडी? गाइस हम लोग सिलीगुड़ी में स्टे करेंगे क्योंकि बहुत सारा हम लोग का कुछ पर्सनल काम भी है ना, तो वहाँ पर रुकना ही पड़ेगा आज, कल या फिर परसों में हम रिटर्न करेंगे। तो चलो पैकिंग वैकिंग हो गया अभी, लेट्स गो मम्मी जी। हाले सबाई सामान हाले चलो। मैं ऐसा लग रहा है सिलीगुड़ी में बहुत ठंड है। सिलीगुड़ी में ठंड है? नहीं है तो बाय बाय कुछ तो चाहिए तो खा गया था भेजी ये ला भाई मामा जी। अभी हम निकल चुके हैं अभी घर से, सिलीगुड़ी जाने से पहले हम दार्जिलिंग टाउन भी जाएंगे क्योंकि टाउन में मेरा कुछ काम है, काम कंप्लीट करके फिर जाएंगे सिलीगुड़ी। आप देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही खराब मौसम में चल रहा है अभी। डैड जी इधर है। आपके भाई यहाँ गाड़ी चला रहा है। आपके भाई गाड़ी चला रहा है एंड बहुत जल्द नया गाड़ी भी आ रहा है इसलिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी चल रहा है गाइस। एक्चुअली मम्मी जी बहुत डरता है जब मैं ड्राइविंग करता हूँ ना, मम्मी बहुत डरती है, इसलिए मम्मी को दिखाने के लिए भी मैं आज मतलब ड्राइव कर रहा हूँ। मम्मी मुझे गाड़ी चलाना आता है कि नहीं डैडी जी? पूरा आता है, लेकिन पता नहीं मम्मी डरती है। मम्मी है ना, मम्मी ऐसे होता है, मम्मी मम्मी होता है। आज का ड्राइवर देखो हमारा सर और मैडम का पैकेज है ना आज, दोनों रोमांटिक जोड़ी का वैलेंटाइन टूर जा रहा है इसलिए घुमाने के लिए ले जा रहा हूँ। दिन में भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, देखो हम बाप रे कितना फक। सो गाइस यहाँ से अभी पायलट चेंज, लो पायलट जी। सो गाइस अभी हम पहुंच गए दार्जिलिंग टाउन। और मम्मी जी आज मेरा ड्राइविंग कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन डर लगा मेरे को। डर लगा? मम्मी को हमेशा डर ही लगता है। अभी मैं नया गाड़ी आके मतलब लेके आ सकता हूँ ना मम्मी? परमिशन परमिशन मिल गया नया गाड़ी लेने का? लेकिन डैड के साथ दो तीन दिन ड्राइव करना चाहिए ना। मत डरो आपका बेटा अभी मेरा तरफ से कॉन्फिडेंट है, मेरा तरफ से तो कंप्लीट हो गया है ना डैड की तरफ से। ओके बाय, मैं अपने काम करके आता हूँ, ठीक है। अभी टाउन पहुंच गए हैं, अभी ना मेरा टाउन में बहुत सारे काम है तो पहले वो काम निपटाते हैं, लेकिन काम से पहले अभी समोसा मिल गया यहाँ पर सूरज दा की दुकान में, उनको तो पहले चाय और समोसा खाते हैं ना। चीयर्स, सॉल्टी चीयर्स। ठंडे ठंडे मौसम में मिल गए गरम गरम समोसे, फिर मिलेंगे। अभी जिस काम के लिए दार्जिलिंग टाउन आए थे वो काम तो नहीं हो पाया, लेकिन अभी मुझे यहाँ मिला रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है इसलिए मेरा टाइम बहुत ही वो है शेड्यूल टाइट, तो अभी यहाँ पर खड़े खड़े मुझे मिला रहे। तो चलो भैया जी ठीक है, जल्दी जल्दी में मेरा ओट मत काट देना फिर। ना भाई ये ओट काहे काटेंगे, ये ओट बहुत कीमती है। कीमती है तो तो देखो गाइस एक मिनट में हो गए खड़े खड़े, यहाँ बैठता तो पाँच दस मिनट लगा लेता है, मसाज वसाज क्या क्या करते हैं ना। लौटेंगे भैया जी फिर मिलेंगे। हाँ लो बस, देखो गाइस डैडी जी भी यहाँ पर अभी बाल काट रहे हैं, आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ गया। हो गया मसाज सही मसाज? देखो गाइस मेरा बेटा ने बाल काट लिया अभी। मेरा डैड नहीं मेरा बेटा है, अभी एक ही तो बेटा है ना, थोड़ा केयर तो करना पड़ेगा। अभी विंटर का छुट्टी है, फिर नेक्स्ट सीजन में स्कूल भी लग जाएगा। तीन से लगेगा स्कूल। मम्मी जी बैठे हैं यहाँ पर अभी। मम्मी पॉपकॉर्न नहीं है, टेढ़े मेढ़े। देखो डैडी जी हेयर कट करके आ गए वापस, जैसे तो एकदम यंग यंग लग रहा है। मम्मी जी यहाँ पर आ गए, अभी दार्जिलिंग
छोटे से काम के लिए आया था, आज वो काम भी नहीं हुआ, मतलब ऑफिस ही क्लोज था ना। अभी हम सिलीगुड़ी शादी अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी शादी अटेंड भी नहीं किया, दूसरा शादी का कार्ड भी आ गया दादी जी। हाँ, दूसरा शादी का भी आ गया मम्मी। हाँ, एक मिनट में देता हूँ आपको। हाँ ये मम्मी दूसरा कार्ड भी आ गया शादी का। कितना तारीख का ये? 15 तारीख का। आज कितना है? 10 ना। 15 तारीख के लिए एक दूसरा फिर शादी के लिए कार्ड आ गया। एक शादी अटेंड नहीं किया, दूसरा भी आ गया। अभी देखो यहाँ का मौसम एकदम भयंकर वाला मौसम होके रखा है, आप देख सकते हैं। देखो पूरा चारों तरफ कोरा ही कोरा वाला सीन है। अभी देख सी नजर आ रहा है रास्ता, ध्यान से देखना पड़ेगा। जूम करूंगा तो ये देखो गाड़ी घूम कोरे में एकदम गायब। ओह माय गॉड, मौसम हुआ खराब। मम्मी चलो खिड़की बंद कर लेते हैं। अभी ट्रैफिक जाम हो गया, मौसम खराब, रास्ता छोटा और इतने बड़े बड़े गाड़ी आ रहे हैं यहाँ पर। कितना बड़ा करो, कुछ अगड़ी लग जाएगा। अरे बाबा बहुत बड़ा भी नहीं, अच्छी बहुत गॉड, कितना क्लोज है देखो, क्लोज है, गैप देखो गैप। ओ माय गॉड, तो फाइनली निकल गए। दादी जी भी बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर है, लैंड रोवर के जमाने से गाड़ी चला रहे हैं। अभी कितना साल हुआ आपने गाड़ी चलाया? 30 साल। देखना पड़ेगा। 30 साल हुआ, 30 साल हो गया, 30 इयर्स। पहले तो हीरो था, हां एक नंबर का हीरो। तो गाइस अभी देखो फॉग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अभी फाइनली हम पहुंच गए रोहिणी में, यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि हम लोग लग रहा है बहुत ज्यादा भूख है। अभी मम्मी तो अभी देखो खाना भी शुरू कर दिया, मम्मी ने ऑर्डर किया है वेज, मम्मी तो वेज ज्यादा प्रेफर करती है। डैड ने ऑर्डर किया है चिकन थुक्पा एंड मैंने ऑर्डर किया है फिश राइस। तो चलो अभी खाते हैं। अभी 256 हो गया है मेरा, मछली आ गया, मछली अभी आ गया, स्पेशल स्पेशल थुक्पा। ठंड है ना। हाँ जी, थुक्पा कैसा है? टेस्टी, वाह। तो फाइनली गाइस हमारा खाना हो गया कंप्लीट, लेकिन फाइनली हम खा रहे हैं मोमो, क्योंकि यहाँ का मोमो बहुत ही अच्छा होता है। तो चलो एक मोमो के साथ एंडिंग करते हैं खाना, है ना। अभी खाना वाना हो गया है एंड अभी हम निकलते हैं। यहाँ पर देखो गाड़ी, एक्चुअली यहाँ पर पार्क किया था डैडी जी ने, वहाँ पर एक गाड़ी फिर से पार्क कर दिया, फिर अटक गया ना, तो उसको भी मिला रहे। लुक एट द वेदर, अभी ऊपर दार्जिलिंग में कितना भयानक वाला वेदर हुआ था ना, यहाँ पर अभी सही है वेदर। फाइनली हम लोग यहाँ पर अभी पहुँच गए सिलीगुड़ी में, लेकिन अभी यहाँ पर देखो ट्रैफिक जाम है। तो अभी हम सीधा जाएंगे होटल में, होटल सुबह ही बुक कर दिया था। यहाँ पर पर्सन जो जो भी ऑलरेडी होटल में है ना, तो उन जो भी होटल में है तो उनके साथ मिलते हैं। एंड मैं तो गाइस गाड़ी में मस्त सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद लग रहा था ना, तो मैं सो गया आधा आधा, नींद कम्प्लीट हो गया। तो चलो अभी होटल चेक इन कर लेते हैं एंड चाय पी के फिर शादी में निकलने चाहिए। फाइनली हम लोग पहुँच गए अभी होटल, सीधा बैक कॉर्नर है। एंड अभी साउंड वन निकाल दिया है, यहाँ पर अभी डैडी जी का गाड़ी पार्क में लगा दिया है। दार्जिलिंग में तो बहुत ज्यादा ठंड था गाइस, यहाँ पर उतना ज्यादा ठंड नहीं है। डैडी जी को पता नहीं जैकेट लगा रहे हैं, दार्जिलिंग में जैकेट खोल के आए, सिलीगुड़ी में आके लगा दिया, क्या है डैडी जी उल्टा कर रहे हैं। अभी गर्मी लग रहा है कि ठंड है? ऊपर तो मौसम कितना खराब था ना, यहाँ पर सही है मौसम अभी। एंड यहाँ पर है हमारे बसंत जोजो का गाड़ी, यहाँ पर पार्किंग में लगा दिया है। एंड जोजो भी यहीं पर होटल में है। चलो चलो चलो, ऐसा लग रहा है कि दोनों अभी वैलेंटाइन डे के वेकेशन में आए हैं। ओ, 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 आ गए। कैसे हो पाजी? दादिन से आए मेरे भाई, भाई को सलाम करो। भाई को हालत खराब भर रहा है। अभी होटल भी चेक इन कर लिया है एंड यहाँ पर हमारे प्यारे से जो बसंत जोजो, नमस्ते। अभी गाड़ी में सोते सोते आ रही थी, जोजो से मिलने के बाद मेरा नींद उड़ गया अभी, क्योंकि एकदम एनर्जेटिक है ना। जो जो ने सब कुछ सुबह से करके रखा था, पार्किंग भी बोल दिया, रूम भी बोल दिया, जो जो है तो हम एकदम आराम से घूम सकते हैं ना जोजो। अभी मॉम डैड के, मॉम डैड से मिलके कैसा लगा आपको? बिल्कुल अच्छा, क्या दीदी है, दो बार फिर से गाइस पीसफुल म्यूजिक के साथ लिफ्ट में। पिछली बार की तरह नया रूम शिफ्ट हो रहा है अभी,
मैंने अभी भी मंगवाया स्पेशल सोफा, क्योंकि मॉम डैड स्पेशल जोड़िया है ना, तो दोनों के लिए स्पेशल सोफा अभी अभी मंगवाया मैंने। देखो यहाँ का सर्विस भी अच्छा, यूं मंगाया यूं आ गया अभी। भैया जी शर्मा रहे। अभी हम यहाँ पर ना होटल में पहुँच के फ्रेश हो गए हैं ना, अभी तैयार हो चुके हैं। मैंने तो आज सूट नहीं पहना क्योंकि अभी हम जा रहे हैं शादी में। मम्मी जी और डैडी जी तैयार हो रहे हैं दोनों। आज दोनों का मतलब गेटअप बहुत अच्छा है। हम तो एकदम नॉर्मल सा बंदा आज से, देखो सूट वूट नहीं है, डांस वांस नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल स्वैग में जाएंगे। एंड यहाँ पर बसंत जो अभी अभी नहा धो के आए हैं, हो गया हल्का, हो गया है अभी हल्का थोड़ा हुआ। दर्शन भाई के स्वागत में इतना वो तरह से लगा हुआ है, अभी तक फ्रेश होने का मौका भी नहीं मिला। अरे यार चलो चलो, अभी हम थोड़ा शादी अटेंड करके आएंगे, फिर मस्ती करेंगे। डैडी जी आ जाओ मेरे बेटे बेटे हमारे बेटे को तैयार करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा। मेरा एक ही तो बेटा है ना, करना पड़ेगा। नन्ना नन्ना सा मुन्ना सा बेटा है। वाटर बॉटल किसका है बेटा, कहाँ है बेटा? बेटा चश्मा पहनो, बैग भी बैग कितना है रहता पापा? ओ कितना हैंसम लग रहा है। ओ माय गॉड डैड यू लुकिंग सो हैंसम हैंसम, थैंक यू। तो मम्मी भी कम नहीं है, देखो क्लास चल लगाओ भाई, मैं बैठा दूंगा। Oh my God. दोनों को देखो गाइस, जरा कमेंट करके बताना दोनों को कैसा लग रहा है। सच में आज तो शादी में सब आप लोगों को देख रहे ऐसा लग रहा है। देखो नीचे से दिखाऊंगा। चलो चलो कमेंट मा भन्दिनुस् होला ड्याडीको गेटअप कस्तो लाग्यो। ड्याडी इज अलवेज, ड्याडी इज अलवेज स्वैग में होता है ना। तो चलो अभी रूम तो देखो गाइस ऐसा पड़ा हुआ है, हो गया डैडी जी चलो देख लिया कितना। ये शीशा पता नहीं 10-20 बार देख चुके हैं डैडी जी, मैं नहीं देख लिया, आधे से एक ही बार देखा। अभी अंदर आया ना, इसको नहीं लगाऊंगा, रख देंगे अभी अंदर आओ ना। तो चलो बाहर का नजारा कुछ ऐसा है, लेट्स गो। लो जो जो ढिलो ढिलो लो, अभी हम निकल रहे हैं शादी के लिए ना। ये देखो अभी जा रहे हैं टोटो में। पिछली बार नीमा के शादी में हम ऑटो में गए थे, इस बार भी शादी में हम जा रहे हैं टोटो में, है ना? टोटो में जा रहा है। सर जी आप बैठिए पहले, मैडम अभी हम जा रहे हैं शादी में। दोनों को देखो कितना खुश है, दोनों बहुत खुश है शादी में जाने के लिए, इतना खुशी नमस्ते। हेलो गाइस, फाइनली अभी हम पहुंच गए शादी वाले घर। शादी वाले घर नहीं, एक्चुअली ये भवन है, ये है मारवाड़ी भवन, लेकिन शादी हो रहा है बिहारी कम्युनिटी के। तो हमारे हम जा रहे हैं शादी एंजॉय करने के लिए। बारात कभी आए, बारात अभी नहीं आए है, हम आ गए हैं। बारात आ रही है, बारात आने से पहले हम घुस जाते हैं अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाले अभी। एंड गाइस यहाँ का डेकोरेशन काफ़ी अमेजिंग है, देखो। ओह माय गॉड, फूलों से सजाया है। लो मॉम डैड का एक सिनेमैटिक शॉट ले लेते हैं, ठीक है? आप आराम से ऐसे वॉक करते करते आना, ओके ओके। 1-2-3 आ जाओ। डैडी जी का सब दोस्त लोग मिल रहे हैं अभी। यहाँ पर एक सेल्फी वो भी है कैमरा, तो चलो हम जाके रील्स बना लेते हैं अभी, ठीक है? बहुत ज्यादा म्यूजिक है, कॉपीराइट आने वाला है मुझे पता है सच में। यहाँ पर अभी देखो मॉम डैड का एक अच्छा सा एक शूट ले कर लेते हैं अभी। मॉम डैड का वीडियो शूट कर लिया, आप इंस्टाग्राम में देख लेना। यहाँ पर है मम्मी जी का फेवरेट जलेबी। मम्मी लो जलेबी विद रबड़ी, तो बहुत बढ़िया रबड़ी विद जलेबी। ये देखो बहुत पसंद है मम्मी। जलेबी कैसी है? अच्छा मेरा फेवरेट है जलेबी। तो बन रहा है चिल्ला चिल्ला, हाँ खाना ना टेस्ट करेंगे, ठीक है? Oh,
चलो अभी शादी में फूड वूड भी टेस्ट कर लिया एंड शादी का माहौल भी देख लिया। अभी हम जा रहे हैं दुल्हा दुल्हन को मिलने के लिए। आंटी यहाँ पर है हमारी दुल्हन की मम्मी जी। कैसा लग रहा है आपकी बेटी के शादी में? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? आप रोया क्या? आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। हजार थैंक यू थैंक यू। हजार 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 यहाँ पर हमारे शशिकांत भैया दुल्हन के भैया जी कंग्रेचुलेसन र दुल्हालाई पनि कंग्रेचुलेसन अनि उहाँलाई पनि कंग्रेचुलेसन आन्टीलाई त झन् धेरै धेरै कंग्रेचुलेसन है। आप लोगों ने इनवाइट किया और हम ना आए ऐसा कभी हो सकता है? हाँ थैंक यू सो मच। और शादी में बहुत इंजॉय करें, आप देख सकते हैं भीड़ ना। ओ माई गॉड, ये आप लोग आके इसको चार चांद लगवा दिया, जब तक आप लोग नहीं आते तो ये बेकार। थैंक यू सो मच। थैंक यू इसके लिए, आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हुन्छ बाय बाय आंटी। अभी ऑलमोस्ट रात की बज रहे 10:30। ओ माय गॉड 10:30 नहीं 10:41 हो गया है। भैया जी कहाँ सेल्फी ले रहे हैं आप? हम लोग आया दार्जिलिंग से शादी में, घूम रहा है, मजा आ रहा है, दूल्हा दुल्हन का फोटो ले रहे हैं। आपका भाभी जी किधर है? भाभी जी मेरा घूमने गया है। गुम हो गए उधर पे पीछे पीछे। हेलो भाभी जी, आप कैसे आए? बहुत बढ़िया। आपको शादी कब करना है? हमारा टाइम आएगा अपना टाइम आएगा। अच्छा, किससे करना है? देर से आएगा लेकिन दुरुस्त आएगा भैया। अरे जो भी हो लड़की अच्छा होना चाहिए। लड़की अच्छा होना चाहिए। यहीं बड़ा लाई दिन बचा। तो गाइस अभी शादी में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर है हमारे अंकल जी लड़की की तरफ से, है ना, लड़की वालों की तरफ से, लड़की के बड़े पापा बोल रहे हैं ना, बड़े पापा जी है। तो बारात वाले भी आ गए, दूल्हा दुल्हन सब आ गए, धमाका हो गया। ये तो खुशी का भी बात है लेकिन अब गम इस बात का है कि मेरा बेटी जा रहा है। बेटी जा रहा है लेकिन उसका घर बस रहा है तो खुशी का ना। नहीं ये बात तो है। अरे भैया जी, भाभी जी उधर, भैया जी इधर, क्या बिछड़ बिछड़ के खा रहे हैं? हमारे मॉम डैड के जैसे होना चाहिए, एकदम जोड़ी जोड़ी बन के की, है? चम्मच दारू नहीं चलता है, चम्मच नहीं हाथ से, बढ़िया है एकदम, देता है हम लोग दामी दामी दामी। ठीक है भाई, आप एक फोटो लीजिए ना। फोटो लेना है? चलो ले लो भाई, हमारे साथ लेना है। ठीक है दोस्त। हाँ आपका दोस्त। हमें अभी भी प्लेट मिला, देखो मम्मी जी प्लेट में पूरा खाना वाना लेके आ गए। अभी देखो हम खाना खा रहे हैं शादी में, बहुत ही अमेजिंग खाना है। एक्चुअली यहाँ पर बैठने का जगह नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग भीड़ है, लेकिन भूख को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे खड़े खड़े खा रहे हैं। चलो बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली शादी में ना। एंड बियॉन्ड द सीन हमारे भैया जी, देखो आप लड़के की तरफ से या लड़की की तरफ से? हाँ? हम आए हैं लड़की का तरफ से। लड़की का तरफ लड़की से मेरा बेटी लगती है एक्चुअल। तब तो आप चाचा हुए, तब तो आप ससुर जी हो गए। ससुर जी हो गए। जा रहे हैं बैक टू होटल रूम। तो शादी में बहुत ही मजा आया, बहुत एंजॉय किया। शादी के मंडप से एग्जिट करता हुआ दोनों। अच्छा लगा, वैलेंटाइन डे जैसा लगता है। तो चलो गाइस शादी का तो फिर इधर ही आना। तो चलो गाइस आज बहुत ज्यादा हो गए जैसे लग रहा है ब्लॉग। सुबह घर से लेकर शादी के लास्ट एंडिंग खाना तक हम लोगों ने शूट किया। तो चलो अभी शायद रखने का टाइम भी हो गया, अभी हम बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गए, अभी घर जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, एडिटिंग करना है। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू।